दोस्तों जयसु, होली थर्सडे यानी पुण्य बृहस्पतिवार, जिसे माउंडे थर्सडे भी कहा जाता है, जो ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स परंपराओं में। अब अंतिम भोजन यानी लास्ट सपर, होली थर्सडे अंतिम भोजन के अवसर को चिन्हित करता है, जो ईसा ने अपने शिष्यों के साथ उनके क्रूसिफिकेशन से पहले साझा किया था। इस दिन के दौरान ईसा ने प्रभुत्व का संस्कार अंतर्निहित किया, या पवित्र संगम के साथ रोटी और दाखरस साझा करके उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें आदेश दिया कि मुझे याद करना। होली थर्सडे पर यह और भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए। यह कार्य विनम्रता और सेवा का प्रतीक है, क्योंकि ईसा ने अपने अनुयायियों के प्रति अपने प्यार को दिखाया था, जिसे सेवकों के लिए आमतौर पर रखा जाता है। अब ये सब करने के बाद गेत्सेमानी बारी में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के पहले जो प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे वहां गए। अंतिम भोजन के बाद यूदास इस्करियोती चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरुवर अपने ईसा को बेच दिया। गेत्सेमानी बारी में उन्होंने संकेत दिया कि जैसे ही मैं उनको चूमूंगा तो आप समझ जाना यही ईसा है, और इस तरह से ऐसा ही हुआ और ईसा को उन्होंने गिरफ्तार किया। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके लोगों से शेयर कीजिए। ये पुण्य बृहस्पतिवार का दिन ही था जब यीशु मसीह ने स्थापना किया यूखरिस्तीय स्थापना। साथ ही साथ पुरोहित बनने का जो सबसे पहले जो स्थापना हुआ उसी दिन से शुरुआत हुआ, ठीक पवित्र शुक्रवार का पहला दिन पुण्य बृहस्पतिवार, ये वही दिन था। यीशु ने हमें शिक्षा दी है कि हम परमेश्वर के प्यार और क्षमा के बारे में सीखें, और उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रार्थना करना और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, पूरे मानवता के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। यीशु प्रेम और दया का प्रतीक हैं, जो हमें सभी को धर्म, समय और अपने परमेश्वर की ओर ले जाता है।